जयपुर एसीबी की टीम ने दौसा जिले के महुआ थाने में सोमवार शाम कार्रवाई करते हुए घूसखोर सहायक उपनिरीक्षक समुंदर सिंह को 2000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। एसीबी की ट्रैप की कार्रवाई से थाने में हड़कंप मच गया। जयपुर एसीबी के डीएसपी सुरेश स्वामी ने बताया कि बहादुर सिंह नामक परिवादी के पारिवारिक मामले में मारपीट का मुकदमा दर्ज हुआ था। इस मुकदमे में राजीनामा करवाने की एवज में आरोपी सहायक उपनिरीक्षक समुंदर सिंह ने 20,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी, जिसके बाद सौदे के अनुसार 7,000 रुपये रिश्वत देना तय हुआ था। इस राशि में से आरोपी एएसआई 5,000 रुपये की रिश्वत पहले ही ले चुका था। सोमवार को 2,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए जयपुर एसीबी की टीम ने आरोपी एएसआई को मेवा थाना परिसर स्थित सरकारी आवास से गिरफ्तार कर लिया। परिवादी है बहादुर सिंह, उसके कोई पारिवारिक मामला था, भाई और भतीजों का झगड़ा होता, उसका मुकदमा दर्ज हुआ था। उस संबंध में पहले इसने 20,000 की डिमांड की थी, फिर 7,000 देना बताया, 5,000 के द्वारा, 2,000 के भाई के द्वारा देना बताया, और आज फिर डिमांड करने पर 2,000 रुपये देते उसको कट किया।